व्हाट इज सक्सेस, अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेस क्या है, और अगेन मैं फिर वही थोड़ा सा क्लियरेंस और चाह रहा हूँ, बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है ना वो ये क्वेश्चन जरूर करेगी कि यार पैसा तो हजरत उस्मान के पास भी था, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी था, और आज के तो वो बिलियनेयर से भी बढ़ के आप ये लिस्ट पूरी करें, ये हर मुसलमान का बहाना है। हजरत उस्मान अब्दुर्रहमान बिन औफ के अलावा दो नाम और बताएं। मुझे भी ऑनेस्टली ये दो देखा है ना, ये दो बनाए हुए बहाने के तौर पे हिसाब भी रखे हैं हमने। देखे अगर कोई ये कहता है कि यार अगर अल्लाह ने मुझे देना है, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग माई रिलीजियस ड्यूटीज, मैं अपनी रिलीजियस ड्यूटीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। व्हिच आई एम प्राउड ऑफ, आई विल टेल यू हाउ टू लुक एट मनी। मैं अपने उस्ताद के पास गया था एंड आई सेड मैं एक और बिजनेस करने लगा हूं ये वाला बिजनेस के अलावा। एंड ही सेड क्यों, आई सेड रिस्क की वुसत की दुआ है, हम रिस्क की वुसत में खेल चाह रहा हूं। ही टोल्ड मी इन वन स्टेटमेंट, ओके इन वन स्टेटमेंट ही सेड, बेटा बात ध्यान से सुन ले, पानी की टैंकी है, जितना पानी भरना था अल्लाह ने भर दिया, अब तू एक नलका लगा या दो नलके, पानी जब तक तू पूरा नहीं करता तू मरेगा नहीं। सही, ठीक है, अब तू दस नलके लगा या एक नलके लगा, पानी तो उतना आना ही आना है जितना तेरा लिखा हुआ है। अब तू दस दुकानें खोल जाके, मेरी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है, तू खोल, हराम नहीं है, खोल। क्यों अपने आप को उस जगह पे इन्वॉल्व कर रहा है जिस जगह की गारंटी अल्लाह ने ली हुई है? ये मोटिवेशनल स्पीकर क्यों नहीं बताते कि एक ही चीज है जिसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने, वो है कि कितना कितना देर तक आना है। सुभान। और मुझे भाना के पता, कहते मुसलमान बच्चे, सर इथियोपिया वालों का क्या कसूर है? जैसे कि इनका कोई चाचा का बेटा इथियोपिया में कैसे मर रहा है? ये अल्लाह ताला के बिहाफ पे कंप्लेंट दाग रहे हैं मेरे ऊपर कि इथियोपिया में कहता आ गया उनको, जैसे उनको भी कोई टोनी रॉबिन्स या यहाँ का कोई लोकल मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, वो भी कुछ कर लेंगे इस बारे में। सो अगेन गोइंग, मैंने आपसे कहा ना शुरू में ये तीन घंटे का सेशन हो जाएगा, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, वेरी सिंपल। जो चीज अल्लाह ताला ने आपके अंदर एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड डाल दी हुई है वो रिसीविंग नहीं है, वो गिविंग है, दैट्स इट। वो आपके ऊपर हो तो आप एहसानमंद हो जाते हैं, आप किसी और पे करें तो लोग आपके एहसान मंद हो रहते हैं कि यार दिस इज द रियल मैन, दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज द ओनली थिंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर कमिंग हियर ऑन दिस प्लैनेट फॉर, कि लोगों की बेहतरी हो सके। किसी एक आप मुझे आसान सा, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ तमाम ऑडियंस के साथ, मैं हमेशा ही करता होता हूँ। बिल गेट्स से पहले और कारून के बाद, कारून के बाद 3000 साल बनते हैं, बिल गेट्स से पहले कारून के बाद, कोई से 3 बिलियनर्स के नाम बताएं। सही, नहीं मिलेंगे ना, बिल्कुल, और करोड़ों की तादाद में है मगर मिलेंगे पता क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले ये सेलिब्रिटीज नहीं होते थे, लोग इससे पहले ट्रेंड ही नहीं था, नहीं लोग इसको हद तक समझते थे कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करने आया हूँ, अपने लिए कुछ करने आया हूँ। और अब केमिस्ट्री इतनी चेंज हो गई, ये जो केमिस्ट्री डोपामिन पे हिट की है ना इन्होंने, उसके बाद एवरीबडी, वही तो कह रहा हूँ, इतना आईक्यू ड्रॉप कर देता है कि यू लूज द बिग पिक्चर कि दुनिया में असल में मकसद क्या है काम इंसान का। उसको मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोलते, उसको क्या कहते हैं? रिलीजियस स्पीकर, जो ऐसी बातें करता है। सही, कि दुनिया के मकसद बता रहा होता है वो। हाँ बताएं, न्यूटन के पास कितने पैसे थे? नो वन नोज, क्योंकि वो बेचारा इस बेस पे मशहूर नहीं था। सही, ऑस्कर कितने बंदों को इस साल मिला है? हर लड़की हर लड़के को पता है, हर अम्मी हर अब्बू को पता है। बताएं इस साल कोई से 4 बंदे बताएं जिनको नोबेल प्राइज मिला है? किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ऑस्कर के पीछे डॉलर साइन लगा हुआ है, फेम लगा हुआ है, दैट्स इट। नोबेल प्राइज के पीछे फेम नहीं लगा हुआ। रोनाल्डो और मेसी के डॉलर निकालूं, मैं देखता हूं कौन फुटबॉल खेलता है दुनिया में। सही, सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल गेट्स के डॉलर निकालो फिर मैं देखता हूं कौन इसकी बुक्स खरीदता है। सही, पीपल जस्ट वॉन्ट व्हाटएवर दे कैन गेट, दे आर रिसीवर्स एंड दे आर बीइंग मेड टू बिकम रिसीवर्स, बिकॉज सेल्फिशनेस इज द मोस्ट कंटेजियस डिजीज इन द प्लैनेट। And the sooner we realize it, the sooner we'll understand कि कौन सा बंदा डॉक्टर है और कौन सा बंदा बीमारी निकालने वाला है, कौन सा बंदा बीमारी डालने वाला है। और मोस्ट ऑफ दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स इधर दे पुट इन द डिजीज, दे डोंट इवन नो, अपनी अच्छी नीयत से भी लोगों को वो जो है ना ऑल्टर की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बात हमारी फितरत के अंदर है, हमारी फितरत के अंदर, कि हमें वो वाला बंदा नेचुरल अट्रैक्शन देता है। अल्लाह ताला ने ये लिख के हमारे अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, इसको सेरोटोनिन कहते हैं, कि हमें वो नेचुरल अट्रैक्शन देगा कि जो गिवर है। हमें अब्दुस सतार नेचुरली अट्रैक्ट करता है,
हमें पॉलिटिशियंस नेचुरली अट्रैक्ट नहीं करते बिकॉज ये खुद महलों में रहते हैं और हमें गुर्बत का ऊपर कैसे कहते हैं ना इक्तफा करने का दर्श देते हैं। सही, ये तैयार रहना, कौम पे सख्त वक्त आएगा, सिर्फ कौम पे ही सख्त वक्त आएगा, सर आपके ऊपर क्यों नहीं वक्त सख्त आएगा? सही, आपके घर पे बिजली कभी भी नहीं जाएगी, आपके महल बढ़ते रहेंगे। अब्दुल सत्तार इदीस एंड बिल्किस इदीस एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, आई एम नॉट कोटिंग एनी वन पर्सन, ये नेचुरल अट्रैक्शन क्यों देते हैं? बिकॉज दीज पीपल आर गिवर्स। हम सबको पता है कि जो फुकर में खुश है उससे ज्यादा दुनिया में कोई मोटिवेटेड आदमी नहीं हो सकता। ये लोग फुकर में खुश होने की कभी भी ट्रेनिंग नहीं देंगे आपको, बल्कि ये आपको फील कराएंगे कि निकलो इससे। जी जी, इफ यू आर बोर्न स्टूपिड इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई स्टूपिड दैट्स योर मिस्टेक। ये है मोटिवेशनल मंत्रा, ये मंत्रा। इवन दो एंड में आके खुद बैठे होंगे दलाई लामा के पास किसी फिग ट्री के नीचे बैठे होंगे कि हमें चैन नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताओ, अंदर से हॉलोनेस है, हमारे बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, कोकीन चल रही है घरों में, एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सही, बट दे आर नेवर गोइंग टू एडमिट टू इट के ओ यू नो व्हाट, क्योंकि वो बेचारे क्या करें, पेशा है ना, आपने सही लव शुरू में बोला था, प्रोफेशन है, पेशा है ये। लेकिन एक सवाल, सॉरी टू कट, बिकेगा नहीं ना प्रोडक्ट? क्या पैसे कमाने में, ग्रोथ करने में, ये एम्बिशन रखने में कि मैंने बहुत ग्रो करना है लाइफ में ताकि मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करूं, मेरे बच्चे कल को क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय करें, मैं चैरिटी करूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करूं, मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस खोलूं, इसमें कोई हर्ज है? इस एम्बिशन को लेके कोई हर्ज? मुझे बोलते रहते हैं बच्चे, सर हमने ना सदका करना इसलिए पैसे बना रहे हैं। सही, हालांकि क्लास सिक्स में बताया गया था कि इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ मनी, इट्स द वेट ऑफ द मनी। सही सही, जिसके पास कब से कम पैसे होंगे उसका सबसे बड़ा सदका होगा। सही सही, ये सबको पता है बीच में। ये अपने आप को जो है ना धोखा देने वाली मशीन जो है ना, वो कहीं से अमेरिका से, यूट्यूब से या पाकिस्तान से, हजार पाकिस्तान में भी ना खाली वेस्ट वेस्ट ना लगाए, लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। हर कोई ये बेच रहा है कि ज्यादा पैसे होंगे तो अल्लाह की ज्यादा काम कर सकोगे, नाउज बिल्ला, मतलब अल्लाह तो ये अमीरों के दीन है इस्लाम। सही, गरीब बेचारे दोजख में जाएंगे क्या? हालांकि जन्नत की और दोजख के डायलॉग हमें पता है, जन्नत दोजख से कहेगी बिल्कुल सही है, तेरे पास क्या आया? तो दोजख कहेगी मेरे पास लीडर आए, मेरे पास उमरा आए, मेरे पास महलों के बादशाह आए, और तेरे पास क्या आया? तो जन्नत कहेगी मेरे पास तो गरीब ही आए। वो फिलॉसफी क्लियर है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई हर्ज डाउन करते हैं ना, मैं बताता हूँ क्या हर्ज ना आपको, आसान, बहुत अच्छा सवाल आपका, कोई अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना चाहता है तो इसमें क्या हर्ज? क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो असल में स्पिरिचुअल क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जितनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप, मोहल्ले में आप एंटर हो तो लोग आप मुस्कुरा के देख रहे हो कि ये आया है तो हमारी बेहतरी होगी, ये होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सही, आपकी वजह से मोहल्ले वालों को रूट लगा हुआ और बाहर रोड पे गाड़ियां बंद हुई क्योंकि साहिल मियां के 50 जो है ना एसयूवी ने गुजरना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। समझे, दिस इज मतलब कारून को इसी वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कारून को क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के लेक्चर के लिए बुलाते थे कि यार बड़े पैसे बनाए आ जाए? सबको पता था यार इसने ओवरऑल एक कैंसर क्रिएट कर दिया है। अभी जितने भी बिलियनर थे ना सबको पता है कि यार 7% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इज इनसाइड द बैंक्स ऑफ दीस 2000 पीपल। 7% ऑफ ऑल द प्लैनेट्स वेल्थ स्टैग्नेट हो गई है। सही, सोचिए क्या क्या हो सकता था उससे। अभी मैं आपको एक इसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ ताकि आपको आसान हो जाए। कैपिटलिज्म को आए हुए जुमा जुमा 8 दिनों में 1783 में तो पैदा हुआ कैपिटलिज्म। सही, 1700 से पहले के मोटिवेशनल स्पीकर क्या बातें करते थे जरा सोचिए, हमें पता है वो क्या बात, रूहानियत की बात, वो सोशल वेलफेयर और गिविंग की बातें करते थे, वो सेलिब्रिटीज थे उस वक्त। ये उस वक्त के एक भी स्पीकर का नाम नहीं इस वक्त वायरल होता, उसकी किताबें नहीं बिकती, क्यों? क्योंकि वो पैसे देने वाले लोग थे, वो लोगों को असली बातें बता रहे थे। हालांकि सोशलिस्ट, मैं सोशलिस्ट नहीं हूं कहीं से भी, फॉर अ रीजन, कार्ल मार्क्स को अगर इतना ही पता होता ना तो मुंह के बल ना गिरती उसकी फिलॉसफी। जितने भी मार्क्सिस्ट लोग इस्लाम में मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में इस्लाम ढूंढ रहे हैं वो किसी और लेक्चर में आए। द क्वेश्चन इज उस वक्त के मोटिवेशनल स्पीकर एटलीस्ट ट्रू टू द केमिस्ट्री थे। सही, केमिस्ट्री क्या है? अब्दुल सत्तार इदी और किसी भी एक पॉलिटिशियन का नाम ले आ रहा हूं, नेम एनी ऑफ देम, चाहे वो PMLN का हो या PTI का हो, एक साथ खड़ा करें और अंदर की आवाजें लगवाएं सबसे, कौन बेहतर है? हु डू यू वांट टू बी? नॉट इवन वन पर्सन, इफ इज ट्रू टू हिमसेल्फ ही इज गोइंग टू चूज द MNA, द पॉलिटिशियन और द बिलियनर और द बिल गेट्स और द जैक मास, दे विल बी लाइक यार एंड में मुझे यही बनना है, ये मैं चाहे रास्ता ही निकालू गोल मेरा ये है, क्योंकि मुझे नेचुरल अट्रैक्शन को डिनाई नहीं कर सक रहा हूं, अंदर की केमिस्ट्री की आवाजें कुछ और है। सही, गरीब बनने के ऊपर इक्तफा करना और इसके ऊपर शुक्र गुजारी करना कि मुझे अल्लाह ने कम दिया है मैं शुक्र गुजार हूं, इसकी ट्रेनिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं हो सकती ना।
You have to understand that because वो सिक्का बिकेगा नहीं, इसलिए they keep pumping the money card in. हालांकि सबको पता होता है एक खास उम्र के बाद 40वें साल के बाद तो आयां हो जाती है हकीकत कि यार सारा का सारा बोझ मैंने अपने ऊपर खुद डाला. आप मेरी बात ना माने वाले बताया करें, अपने अपने बच्चों को जो बड़े हैं, छोटे बच्चों को तो नहीं समझ आएगी, 15, 12, 15, 14, 15, 16, 17 बड़े भी हैं, सबको हफ्ते में एक एक दिन ना अस्पताल लेके जाना शुरू करें. और जितने भी बुजुर्गान हो वहां पे जो है ना डेथ बेड्स पे बैठे हुए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाएं बच्चों से, पूछो अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले वापस जाओ तो क्या करोगे. तो सबसे पहले कहेंगे मैं जाके मोटिवेशनल स्पीकर गोली मारूंगा जिसकी वजह से मैं 50 साल अपने पैसे के पीछे लगा रहा, एंड में आगे क्या हुआ, ना मेरे रिश्तेदार मेरे पास है, ना मेरे पास सुकून है, और जन्नत तो गई कहीं दूर ही कहीं छोड़ आया था. अब मैं पछता रहा हूं कि ये टाइम रिवर्स करने वाली ट्रेनिंग किसे लेनी. एवरी सिंगल मैन, आप मेरी बात नहीं किसी को समझ आ रही कि मैं बहुत ज्यादा ऑल्ट्रिस्टिक और वो आइडियलिस्ट हूं, तो आप वो क्या है एप्पल जो आपने एप्पल रखा हुआ इसका सीईओ का क्या नाम है, स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ लें, सुन लें वीडियो पे. मगरमच्छ के आंसू निकल रहे हैं, वो तो खैर फेक होते हैं, बेचारा खून के आंसू रो रहा है कि मैंने किया क्या सारी लाइफ. खुद स्टीव जॉब्स का लास्ट लेक्चर पढ़ें, जितने मोटिवेशनल स्पीकर है ना उनके तमाचा है उनके मुंह पे कि सारा कुछ करने के बाद जब हीरो ऑफ द हीरो बनेगा वो एंड में रो रहा होगा कि ये मैं एक इल्यूजन में मारा गया, मैंने सारी उम्र जाया कर दी. अलग बात है वो दीन की बात है, नहीं करता, मगर वो बात केमिस्ट्री कर रहा था कि मुझे जो असली चीजें चाहिए थी वो है ही नहीं मेरे पास, मेरी फैमिली कोई नहीं है. आई हैड टू स्टील अवे द टाइम, स्ट्रिप इट आउट सो दैट आई कैन एक्चुअली गिव इट टू माय ओन सेल्फ. यार पैसे करियर का मतलब खुद होता है ना. आप बताएं स्टीव जॉब्स की बहन का नाम है, शी डज नॉट हैव अ करियर ना. सी द थिंग इज ही वाज सीरियस इन द करियर, एंड दिस करियर वर्ल्ड इज अ कैंसर व्हिच हैज कॉज्ड मोर डेथ्स to the dependence of those people who were chasing those careers than any other disease. Cancer ho ya AIDS ho, polio ho ya typhoid ho, sabse zyada jo deaths hui na wo in is career world ki wajah se hui, jo ke dependence pata hi nahi chala kya hua, sari umre guzar di unhone bagair kisi, apne bachon ki shaklein dekhe 6-8 mahine ho jate hain ye, kyun America gaya hua hai naukri karne, wahan pe dollar kama raha hai, Korea gaya hua hai wahan pe डॉलर कमा रहा है, और इंग्लैंड गया हुआ है 6 महीने बाद आता है और बिल्कुल ऐसे मिलते थे जेल से छूट के आया हुआ है, और फिर अगले दिन पीआईए का फोन आता है विजिटिंग टाइम इज ओवर, वापस जाएं अपनी जेल में. दिस इज एन हिप्नोटिक स्टेट दैट एवरीबॉडी इज इन, एंड एवरीवन नोज कि इफ गिवन अ चांस दे आर गोइंग टू पुश द रीसेट बटन सो फास्ट दैट नो मोटिवेशनल स्पीकर इन दिस वे इज गोइंग टू इवन रियलाइज व्हाट हैपेंड.